उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून जिले की ग्राम सभा प्रतीत नगर में विकास कार्यों में अनियमितताओं के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने यहां पर ग्राम प्रधान द्वारा कथित 18 लाख रुपए के गबन के आरोपों पर राज्य सरकार को 10 दिनों के अंदर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल देहरादून निवासी अनंत सिंह ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में ये आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर बड़ी रकम का गबन किया है। याचिकाकर्ता का ये कहना है कि पहले की जांच में भी प्रधान की अनियमितता साबित हुई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। नैनीताल से तेजस सिंह की खास रिपोर्ट। अनियमितता की थी, जिस वजह से हम लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे सरकार के पास, लेकिन सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले रही थी। हमने आज पीआर फाइल करी और पीआर में कोर्ट ने, एक ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा है कि 10 दिन के अंदर हम अपना प्रत्यावेदन देंगे और उसके 10 दिन के अंदर सरकार हमारे एक प्रत्यावेदन पे निर्णय लेगी कि अनियमितता पे उन लोगों जो ग्राम प्रधान हैं उन पे क्या निर्णय लेना। यही कह रहे थे कि लगातार शिकायत करने के बावजूद दो बार भी इस पे इंक्वायरी हो गई थी और कम से कम 18 लाख रुपये गबन किया है ग्राम प्रधान साहब ने, उस पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया। उस वजह से कोर्ट ने कह दिया कि इस पर सरकार निर्णय लेगी।